आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आप सबके सामने हैं। बड़ी भारी बहुमत के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के लिए जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जिस तरह से लग रहा था कि सपा बसपा गठबंधन तकरीबन 60 सीटें जीत पाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन पिछले 2014 के तुलना में इस बार बीएसपी तकरीबन 11 सीटों पर आगे चल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि अंबेडकर नगर, यहाँ से बीएसपी के रितेश पांडे जो है वो 2,97,000 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। उनके विरोधी जो हैं मुकुट बिहारी बीजेपी के, उन्हें 2,21,923 वोट मिल रहे हैं। यहाँ पे रितेश पांडे ने अच्छी बढ़त बना ली है। अमरोहा, जहाँ से बीएसपी के कुंवर दानिश अली ये आगे चल रहे हैं, इनको 3,17,046 वोट मिल रहे हैं। उनके खिलाफ में जो बीजेपी के कुंवर सिंह तनवीर है, उनको 2,41,296 वोट मिल रहे हैं। तो अमरोहा की सीट पे बीएसपी की जीत लगभग तय है। ये जो कुंवर दानिश अली जो थे वो जेडीएस के महासचिव थे और उन्हें बीएसपी में शामिल कराया गया और वो अमरोहा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो जीत रहे हैं। गाजीपुर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है, यहाँ से बीएसपी के जो अफजल अंसारी है वो 1,18,397 वोट लेके आगे चल रहे हैं। और यहाँ से जो बीजेपी के मनोज सिन्हा जो है, जो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, वो 98,088 वोटों पे सेकंड नंबर पे है। मनोज सिन्हा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे और मोदी की इच्छा थी कि वो बीजेपी के यूपी के सीएम बने, लेकिन आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। उसके बाद हम लोग चलते हैं जौनपुर की सीट पे। जौनपुर पे बीजेपी के श्याम सिंह यादव जो है वो आगे चल रहे हैं, इन्हें 1,97,360 वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो कृष्ण प्रताप सिंह है उन्हें 1,67,085 वोट मिल रहे हैं। यहाँ से बीएसपी आगे है। हम लोग लालगंज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के लालगंज में बीएसपी की संगीता आज़ाद जो है 1,40,981 वोट लेके आगे है। नीलम सोनकर बीजेपी सेकंड नंबर पे है, वो 94,527 वोटों से सेकंड नंबर पे है। संगीता आज़ाद जो है वो बीएसपी के जो राज्यसभा सदस्य थे, गांधी आज़ाद जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी पुत्रवधू है। इसके बाद हम लोग आते हैं मछली शहर में बीएसपी के त्रिभुवन राम, ये 2,58,235 वोट लेके आगे हैं और बीजेपी के भोलाना सिंह 2,42,412 वोट लेके सेकंड पे है। या फिर काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है। त्रिभुवन राम ये एक रिटायर्ड अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया। हम लोग बात करते हैं नगीना की। नगीना सुरक्षित सीट है, यहाँ से जो बीएसपी के गिरीश चंद्रा है वो 4,03,684 वोटों से आगे है। ये एक जीत की मार्जिन है। यहाँ पे बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह जो है उन्हें 2,95,393 वोट मिल रहे हैं। उसके बाद सहारनपुर में आते हैं, जहाँ सबसे बड़ी रैली हुई थी, सबसे पहली रैली हुई थी एसपी बीएसपी गठबंधन की। यहाँ पे बीएसपी के हाजी फजूर रहमान 2,18,840 वोट लेके आगे हैं और कांग्रेस के जो है और बीजेपी के जो है राघव लखनपाल, ये 1,78,308 वोट लेके आगे है, सेकंड नंबर पे है। कांग्रेस भी यहाँ पे तीन नंबर पे है। इमरान मसूद जो लास्ट टाइम केवल 50,000 वोटों से हारे थे, वो 1,09,864 वोटों के सहारे तीसरे नंबर पे है। हम लोग बात करते हैं संत कबीर नगर में काफ़ी टफ फाइट है। यहाँ पे बीएसपी के भीमा शंकर 2,17,885 वोट लेके आगे हैं, बीजेपी 2,14,397 वोट लेके सेकंड नंबर पे है। यहाँ भी कांग्रेस 58,480 वोट लेके तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आते हैं सुल्तानपुर में मेनका गांधी को टफ फाइट दी है बीएसपी ने। बीएसपी के चंद्र प्रसाद सिंह उर्फ सोनू भैया 2,488 वोट लेके आगे है, नंबर वन पे है। मेनका गांधी 2,01,336 वोट लेके सेकंड नंबर पे। यहाँ पे काफ़ी कम मार्जिन से जो है बीएसपी आगे है और कांग्रेस यहाँ पे 16,636 वोट लेके तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से बीएसपी तकरीबन 11 सीटों पे फिलहाल जो है आगे चल रही है और उसके अलावा जो 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीएसपी सेकंड नंबर पे है और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश पे 9 सीटों पे आगे चल रही है। ये अब तक के रुझान है, ये रुझान बदल भी सकते हैं क्योंकि यूपी में काफ़ी तेज मुकाबला कुछ सीटों पे हो रहा है, जहाँ पे एसपी बीएसपी और बीजेपी ये तीनों जो दल है तकरीबन
अभी तो 20 सीटों पे आगे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चुनाव जब तक घोषित हो जाए तब तक शायद स्थिति बदल सकती है, शायद 25 से 30 सीटों पर भी ये गठबंधन जा सकता है। धन्यवाद।